हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और अभी मम्मी बाज़ार गई थी, आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मम्मी टिक्की छोला लेके आई थी। तो अभी मार्केट से मम्मी बैंगल्स भी लेके आई है, मतलब तो खोल के देखते हैं कैसे कौन से कलर्स है और कितने कितने प्यारे हैं, देखते हैं। तो देखो, तो ये है पहला बॉक्स, ये ब्लैक कलर, ये पर्पल कलर और ये लाइट पिंक। अब देखते हैं दूसरा बॉक्स। दूसरा बॉक्स का डब्बा, ये रेड, ये गोल्डन और ये पर्पल। और वो सॉरी, पर्पल नहीं था, वो डार्क ये वाला जो था, ये पर्पल नहीं था, ये डार्क पिंक था। डार्क पिंक, ये लाइट पिंक और ये ब्लैक। ब्लैक आपने मेरा सूट देखा ही होगा, ये उसके मैचिंग का हो गया। तो मेरे को चूड़ियाँ इतनी पसंद आई है, बहुत पसंद आई है। यहाँ का मार्केट में चूड़ियों की इतनी अच्छी कलेक्शंस है, मतलब और इतना बड़ा साइज़ मुंबई में मेरे को तो, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो मिलता नहीं है, इतना बड़ा साइज़ मिल गया, ये बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ चूड़ियाँ देख के। और मैंने एक अंगूठी भी ले ली मम्मी से, मम्मी एक अंगूठी लाई थी। तो ये अब देखते हैं आगे क्या करना है। भाइयों, ठंड के मारे कुल्फी जम रही है यहाँ पे सबकी, और गुलाब जामुन बोल रहे। दोपहर में मैंने छोले भटूरे खाए थे जो आपको मैंने दिखाया ही था, और टिक्की छोला खाया था। देखिए, छोले भटूरे नहीं दिखाए, सॉरी, टिक्की छोला आपको दिखाया था और गुलाब जामुन दिखाया था। गुलाब जामुन गर्म गर्म बहुत टेस्टी था, और छोले भटूरे इतने मुझे कुछ खास नहीं लगे। और खा के आके में मज़ा आ गया। आज गोलगप्पे खाए, अभी गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे खा के अब मैं कह सकती हूँ असली तीखा वाला गोलगप्पा खाया है, एकदम असली तीखा गोलगप्पा खाया। यहाँ आके पता चला असली तीखा गोलगप्पा होता है। भाई, खा के मज़ा आ गया। वो आटे वाले गोलगप्पे थे, इतना तीखा पानी, भाई एक में हालत ख़राब हो गई, ऐसा लग रहा मिर्ची गटक ली हो। ओ भाइयो, इतना तीखा पानी, मीठा पानी भी था साथ में, बट तीखा खाने की आदत पड़ रही है ना, तो इतना तीखा खाने की बर्दाश्त की कैपेसिटी नहीं है। वो भाई, बहुत तीखा पानी है। आज का डे तो कैसे भी करके ख़त्म हो ही गया। मम्मी, ठंडी में क्या हाल है? बाप रे, हालत खराब हो रखी है, बहुत ठंडी है। आप लोग सोच रहे होंगे कैमरे के पीछे धुंधला धुंधला इतना क्यों आ रहा है, वो मैं आपको बता दूँ, ये ठंड की वजह से आ रहा है। ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है। कैमरे को इतनी बार भी मैं साफ कर रही हूँ ना, तो भी वो ठंड की वजह से वैसा हो रहा है। और बस अभी गोलगप्पे खा के बस बैठे, खाना वाना खाएंगे जल्दी और घुस जाएंगे रजाई में। आज का दिन तो जैसे तैसे ख़त्म हो ही गया, अब कल देखते कल क्या होता है हैपनिंग, पर आज का दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रात अभी बाकी है मेरे दोस्तों, रात अभी बाकी है। यहाँ पे मेरी बहन बैठ के टीवी देख रही है। आरती क्या कर रही है? मोबाइल चला रही है। यहाँ पे टीवी चल रहा है, पता नहीं कौन सा सीरियल है। यहाँ पे आरती बैठ के टीवी देख रही है मेरी बहन। एक्चुअली व्हाई शी टॉकिंग लाइक दैट वे, आई एम टेलिंग यू द रीजन। शी कांट टॉक लाइक अस बिकॉज हर मेंटल प्रॉब्लम इज देयर, तो शी कांट टॉक लाइक विद अस विद लाइक अस, तो इसलिए दैट्स वाई। अभी दोस्तों, इतनी इंग्लिश नहीं आती, इतना मैं समझ जाओ, मतलब छोड़ो यार, क्या करना है आपको दूसरों की लाइफ में घुस के। Hey
क्या की नजर उतार रही है या तुम जान हो मेरी वो बंद स्वेटर की नहीं लाल रंग की आएगा हां ये सिलो कली ना अभी देवे 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 मैं ना मेरे जीजे से बात कर रही तो आपको स्पीकर पे करके सुनाती हूँ क्या बोल लकड़ी कहाँ से चलाओ बेटा देना मम्मी मम्मा को बोलो अच्छा बोलती हूँ मम्मा बोल हेलो मम्मा को बोलो लकड़ी लेके आ गए हाँ क्या कर रहे हो हेलो बोल फोन बोल फोन क्या था तुझे हाँ मैं कोहरा ही कोहरा है यहाँ पे सुबह मतलब सामने गाड़ी आ रही है ये भी नहीं दिख रहा है इतना मजा आ रहा है ना बोला था ना आपको हमारे साथ टिकट करवा लो छोड़ो अपनी औरत को और यहाँ पे मस्त सरसों का साग खाया मक्के की रोटी खाई और टिक्की टिक्की छोला खाया और ब्रेड पकोड़ा खाया सब मिस कर रहा है तू तो कभी अपनी औरत को उसके खिलाफ मत जाना तू गोदी में बैठ जा उसके क्या बोल रहे हो गोदी में बैठ जा उसके क्यों मतलब मोटर चाहिए फोन का बोला चलने को चल साथ में गांव मजा आएगा ये तो वो मना कर दिया हाँ तो उसकी सुन के मना कर दिया ना ये नहीं कि मैं मम्मी मम्मी पापा के साथ जा रहा हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है अरे पागल तो सुन तो मुझे बात को लगता है मेरे को सब कह रहे थे कि आप उसके साथ जाओगे जी आपको मेरी कसम नहीं तो आपको मैं सही करूंगी ऐसा सब मेरे को उल्टा उल्टा बोलते धमकी देती है तो बोल जा जा निकल यहाँ से एक ही बार निकलेगी ना निकल जाने दो वो कुछ नहीं ऐसी आपको धमकियां देती है आपको है ना आटे में लेती है वो आपको है ना आटे में लेती है और कुछ नहीं सिर्फ खाली फोकट आपको डराती है मेरे को एक दिन बोली बोली मैं उसको सिर्फ डराती हूँ जानबूझ के मैं कुछ नहीं करूँ करने वाली ये तो मेरे को मालूम है सर अच्छा मालूम पड़ गया मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ उस दिन मैंने आपको स्विमिंग का भी बोला था लिख के ले ले शर्त लगा ले वो बह नहीं जाएगी स्विमिंग पे मैं उसको उसने मना कर दिया मेरे को क्लियर कट में और मैं अच्छे से जानती हूँ उसको वो जाएगी ही नहीं तेरे को तो नहीं विश्वास था नहीं वो क्या उसका बाप भी जाएगा लेट हेंगा बाबा जी का ठुल्लू मिला तेरे को सो फाइनली हम सरसों का साग और मक्के की रोटी खा के बस यहाँ पे बैठे हैं रात हो चुकी है अब सोना है तब तक ब्लॉग को यही एंड करती हूँ और मेरा पूरा फेस फ्रीज हो चुका है बहुत ठंडी है तब तक मैं ये व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और तब तक आप लोग ये व्लॉग देखो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए मेरे चैनल रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए